बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज ये वीडियो मैं डॉक्टर रियाज अहमद दुबई वाले उनको डेडिकेट करता हूँ। उनसे बात हो रही थी जो मेरी पहली वीडियो थी मुस्लिम वर्सेस मोमिन के ऊपर, तो अब ये मैं सीरीज़ जो करूँगा मोमिन को डिफाइन करने में। तो बात हो रही थी कि वो उन्होंने मुझे फिर वाक़ा याद दिलाया कि हज़रत अबू हनीफा रज़ी अल्लाह अन्हु एक दिन वज़ू कर रहे फरमा रहे थे, तो उस वक्त कुछ दो लोग आपस में बस मसला डिस्कस कर रहे थे कि मोमिन के बारे में। तो एक शख्स दूसरे को कह रहा था कि जी मोमिन जो है किसी को धोखा नहीं देता। तो बड़ी अच्छी डेफिनेशन है, और भी बहुत सारी डेफिनेशन मैं आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके उस पर डिस्कस करूँगा। तो अबू हनीफा रज़ी अल्लाह अन्हु एकदम वो वज़ू कम्प्लीट करके आए, उनको दोनों को दरमियान बात को उनको इंटरप्ट किया और कहा कि बात करें तो मुकम्मल करें। मोमिन जो है वो किसी को धोखा नहीं देता, लेकिन मोमिन वो भी है जो किसी से धोखा नहीं खाता। अगर इस बात को देखें तो हज़रत अली करमला वजह ने फरमाया था कि अगर आपने किसी से धोखा खाया है तो मोमिन वो है जो दोबारा उससे धोखा न खाए। तो हम जब एक दूसरे के ऊपर एतमाद करते हैं, एतबार करते हैं, एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, तो हो सकता है कि कभी कभी वो एतबार टूट जाए। तो लेकिन अगर एक बार एक बंदा एक जगह से एतबार खो देता है तो फिर उसी बंदे से दोबारा उस पर एतबार करना मुनासिब नहीं है मोमिन के लिए। अगर आजकल के हालात में देखते हैं कोरोना के वायरस में, तो दो किस्म के केसेस हैं। एक वो केसेस हैं जो कैरियर हैं, जिनको पता भी नहीं कि वो कैरियर हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। आजकल देखें कि ज़बरदस्ती जो है नमाज़ें जुमा के इस्तेमाल में लोग जा रहे हैं ज़बरदस्ती, उनको पता भी है कि जी लॉकडाउन है, घर में रहना है, फतवा भी आ गया, लेकिन नहीं, हमने तो नमाज बाहर ही पढ़नी है। अच्छा, दूसरा वो कैटेगरी है जो जिनको नहीं पता, वो अपने आप निकले हुए हैं और बगैर किसी वजह से। तो अब ये दोनों केस मोमिन के जुमरे में नहीं आते, क्योंकि जिसको पता है नहीं भी है और वो कैरियर है और पता भी है कैरियर है, तो वो भी अगर बाहर जा रहा है तो किसी और की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहा है, और जो खुद जा रहा है वो अपनी आप की ज़िंदगी ख़तरे में डाल रहा है। तो हमें बहुत ही एहतियात करनी चाहिए इस दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान, और हमें फॉलो करना चाहिए जो इंस्ट्रक्शन हैं डॉक्टर्स की, जो इंस्ट्रक्शन हैं गवर्नमेंट की, और जो फतवाएँ हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए। मोमिन की यही निशानी है कि उससे किसी को नुकसान न पहुंचे, तो हमें चाहिए, और ख़ुद को भी नुकसान नहीं पहुंचाना। तो ये दो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।